ये आ गई है फॉर्च्यूनर और ये अब टो करके निकालें। सुबह के 9 बजे हैं, वैसे तो हमारी सुबह 7 बजे हो गई थी और अब यहाँ से हम चेकआउट करें। 19 अगस्त है आज और अब हम कलाम को सी ऑफ करते हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा होटल है, वेलकम गेस्ट हाउस के नाम से, थोड़ा सा मेन रोड से अंदर हट के है और यहाँ अब हम यहाँ से चेकआउट करें ऑन द वे टू कुमराट। लेट्स सी क्या होता है और चलें अब यहाँ से निकलते हैं। तमाम पैकिंग हो गई, चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में डंप कर दी हैं। एक और बहुत अच्छे से वकास के जानने वाले हैं, वो उनकी गाड़ी भी आ गई है। अब दो गाड़ियाँ हम कुमराट में जा रहे हैं, तो अब हम आपसे रास्ते में मिलते हैं। राइट, जी ये देखें, ये हैं अखरोट के दरख्त जगह जगह लगे हुए। अगर आप गौर से देखें तो ग्रीन रंग के कच्चे अखरोट दरख्त में नज़र आ रहे होंगे पूरे कलाम में, और यहाँ पे नॉर्थ में आपको ये अखरोट के दरख्त मिलेंगे जगह जगह। ये बिल्कुल मेरे होटल के सामने लगा हुआ था और फोकस करके दिखाऊँ आपको तो ये, अगर आपको फोकस नज़र आ रहे हैं, ग्रीन रंग के अखरोट नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कलाम के बाज़ार में बैठे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और इतनी ट्रैफिक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इतने लोग हैं अभी कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो कलाम में आ गया है, क्या मसला है, इतने लोग, ट्रैफिक जैम। नाश्ते के लिए इस वक्त हम लोग बैठे हुए और साथ में जो है पराठे मंगाएँ और साथ में छोले और चाय और ब्रेकफास्ट करते हुए। से जाते हुए एक लेक आती है जिसका नाम है धमाका लेक, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका वजूद एक माइन ब्लास्टिंग की वजह से आया और बहुत खूबसूरत एक ये लेक बन गई। वक्त जो है हम अतरोड बाज़ार को क्रॉस कर रहे हैं और अतरोड बाज़ार इसी तरह का है जैसे वो पुराने बाज़ार शॉप्स हैं। बहुत पतला सा रोड लेकिन ब्यूटीफुल प्लेस। वुड्स की दुकानें, अगर गौर से देखें वुड्स की देखें, ये देखें दरवाज़े वैसे ही लगे हुए पुराने, और चपली कबाब बन रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का अतरोड बाज़ार। मेन थिंग अबाउट दिस एरिया इज़ के यहाँ आलू की काश्त थोड़ी ज़बरदस्त होती है दोनों साइड्स पर लगे हुए, और कहते हैं कि पाकिस्तान को 73% जो आलू सप्लाई होता है वो यहाँ से अतरोड से होकर जाता है। इस वक्त हम अतरोड क्रॉस करके ब्राल की जगह है वहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज किया है और चेंज हो रहा है। हम जो है वो अब जा रहे हैं शाहीबाग, शाहीबाग से वापस आएंगे then we will go to आपको लगे हम खराब चला कुमराट। लेट्स गो एंड डिस्कवर करते हैं शाहीबाग को। ऑफिस भी जाता है, ड्राइवर्स चेंज हो गए हैं, वकास जो है वो खनीजीम पे आ गए और सादत भाई जो है वो अब ड्राइविंग कर रहे हैं।
सादत भाई मजा आया एडवेंचरस वीडियो बनी है ना। बहुत ऐसी वीडियो बनी है ना कि याद रखोगे आप। अगेन ड्राइवर चेंज, इस बहुत खतरनाक चढ़ाई है तो वकास ने ड्राइविंग सीट संभाली। शाही बाग यहाँ पर नज़र आया कि शहद जो है वो उसकी हानि भी फार्मिंग हो रही है। साहब भाई ने रोकी है गाड़ी और हम भी उतरे हैं और देखना चाह रहे हैं कि शहद की फार्मिंग कैसे हो रही है और यहाँ पे शहद जो आप और हम शहरों में खा रहे होते हैं उन शहद यहाँ से आ रहा होता है। तो ये देखें ये हनी भी फार्मिंग कि ये लगे हुए बॉक्सेस और वो सामने भी अगर आप देखें तो शहद की लगी हुई दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त रास्ता, बहुत खूबसूरत रास्ता ऊपर तक अगर आप देखें वो देखें। ये बेसिकली हनी बी फार्म है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होंगी शहद की मक्खियाँ। ये ऐसा होता है ये शहद से बना दें। कैसे बनता है? शहद से बना, शहद से बनता है ना, मक्खी खुद बनाता है। एक बड़ी अच्छी टिप आपको दूँ, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में आए हैं और सफ़र की वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे बेस्ट है कि जो ये फ्रेश वाटर आ रहा है ये मिनरल वाटर है ये, तो आप बॉटल्स में इस पानी को भर के पिएं। यकीन करें मेरे साथ भी अभी हुआ और मैंने वो जो बॉटल्स है वो सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ और सिंपल जो है ना उस पानी को पी रहा हूँ। बेस्ट वाटर, आपका जो है ना खाना भी हज़म हो जाएगा और आप जो है ना वो यकीन करें कि आपको वो जो एक फ्रेश ठंडा और मीठा पानी मिलेगा वो ये जो स्प्रिंग वाटर आ रहा है ये आप इस्तेमाल करें पूरे सफ़र में। आप यकीन करें आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे।